पुणे पुलिस ने आरोपी संतोष जाधव के पास से अवैध हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुलिस को संतोष जाधव पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का एक प्रमुख शूटर होने का संदेह है। संतोष ने ये 13 वेपन मध्य प्रदेश से मंगवाए थे। बताया जा रहा है कि इन वेपन को मंगाने के लिए संतोष ने 2 गुर्गों को मध्य प्रदेश भेजा था। संतोष जाधव के पास से कुल 13 पिस्तौल और 8 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुणे ग्रामीण पुलिस ने शार्प शूटर संतोष जाधव के गिरोह के 7 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में AN-94 रूसी असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया गया था। जाधव ने एडवांस हथियार ट्रेनिंग भी हासिल की है। शार्प शूटर संतोष जाधव इस समय एक गैंगस्टर की हत्या सहित 4 आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है और जाधव ने एडवांस हथियार ट्रेनिंग भी हासिल कर रखी है। पुलिस स्टेशन में फिरौती मांगने के लिए संतोष जाधव और उसके गैंग के मेंबर्स के खिलाफ एक फ्रेश केस हमने रजिस्टर्ड किया है और उसमें जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया, तहकीकात की, तो उसमें कुछ नाम हमारे सामने आए और उसको हमने उनको 2 लोगों को पहले अरेस्ट किया है। उनकी 5 दिन की पुलिस कस्टडी है, वो हिरासत में है। उनके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और कुछ नाम सामने आए और उनके जब हमने हाउस सर्च कर लिए तो वी गॉट टोटल 13 वेपन्स अप टिल नाउ। 13 फायर आर्म्स हमने पकड़े हैं। ये 13 फायर आर्म्स MP से ये लोग लेके आए और इसमें अब तक का जो प्राइमरी अंदाज है उसके हिसाब से ये 2 लोगों को संतोष ने MP भेजा था और ये अराउंड जून फर्स्ट वीक की बात है या सेकंड या थर्ड जून की बात है। ये लोग MP जाके वहाँ पे रहे 4-5 दिन के लिए और वहाँ से ये लोग वेपन लेके आए। तो अब तक के जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से दे आर ऑल लिंक विद संतोष जाधव एंड बिश्नोई गैंग से संतोष जाधव का जो कनेक्ट है वो बहुत क्लियरली अब तक सामने आया है। तो इसमें इनका इंटेंशन क्या था और इसमें पैसे किसने दिए, इसके बाकी का जो इन्वेस्टिगेशन वो जारी है उसके बारे में कुछ है तो हम आपको अपडेट करेंगे।